अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम किचन। कैसे हैं आप लोग? से उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं वेजिटेबल पकौड़ा। तो चले आए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। बोल ले लेंगे। एक कप यहाँ पर बारीक कटी हुई गोभी शामिल करेंगे। हाफ कप यहाँ पर शिमला मिर्च ले लिया जिसे मैंने लंबाई में कट कर लिया है बारीक। हाफ कप प्याज ले लिया है जिसे मैंने लंबाई में कट कर लिया है बारीक। एक कप यहाँ पर बारीक कट करे हुए लंबाई में आलू ले लिए हैं। हाफ कप यहाँ पर हरे पत्ते की प्याज ले ली है। स्पाइसेस में मेरे पास यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च है, ज़ीरा पाउडर है, सूखा धनिया है, हल्दी पाउडर, नमक और चिकन पाउडर। ये सब कुछ आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है, इस मसाले वगैरह स्पाइसेस, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिख भी दूंगी। 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैं बेसन का आटा ले लिया है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना है वरना ये फ्राई नहीं होंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, इसको हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मुझे लग रहा था कि बेसन कम है तो 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर और शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। यहाँ कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, ऑयल को थोड़ा गर्म किया और इसके अंदर मैंने अपना पकोड़े वाला जो बैटर है वो थोड़ा थोड़ा डाल दिया। और यहाँ पर ये बहुत क्रिस्पी से बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं, तो अब इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ देखें मैंने तमाम जो हैं पकोड़े फ्राई कर लिए हैं, तो तैयार है यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त से वेजिटेबल पकोड़े। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर रेसिपी ट्राई करके मुझे पिक्चर सेंड करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पे कर सकते हैं। इसको आप अफ्तार में इंजॉय कर सकते हैं, बहुत डिलीशियस लगते हैं। गरम गरम से आप ये पकौड़े तैयार करें और अफ्तार में स्नैक टाइम पर आप इसको चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत डिलीशियस लगते हैं। अगर आप लोग को आज की रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।